हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे, दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो का टॉपिक है इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड अग्नि 5 मिसाइल फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये जैसे कि ये सभी को पता है कि कल अराउंड अबाउट 7:30 PM इंडिया ने एक मिसाइल लॉन्च करी है, दैट इज अग्नि 5 मिसाइल फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। तो इसी के बारे में वो पढ़ने जा रहे हैं आगे की स्लाइड्स में। चलिए, तो ये है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जिसमें जो ये पब्लिश हुआ था अक्टूबर 28, 2021 9 बजे सुबह के। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। सो आगे चलते हैं, नीचे क्या लिखा है। द सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ मिसाइल केम इन द मिड्स ऑफ लिंगरिंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख। हमें भी पता है इंडिया और चाइना का एक स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में, और चाइना ने अभी अभी न्यू बॉर्डर लॉज भी अपने जो है इशू किए हैं। तो इस टाइम पे इंडिया का ये टेस्ट फायरिंग जो थी लॉन्च करना, इस मिसाइल को लॉन्च करना, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि चाइना इससे बहुत ही ज़्यादा नाखुश है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि चाइना हमारी इस टेस्ट फायरिंग से इतना नाखुश क्यों है, हमारे इस मिसाइल लॉन्चिंग से नाखुश क्यों है, आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, सो यहाँ पर है, इन अ मेजर बूस्ट टू मिलिट्री माइट, इंडिया ऑन वेंसडे को इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी थी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरफेस टू सरफेस क्या होती है, जो सरफेस पे ही रह के इस तरीके से आती है। ठीक है, ये होती है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जो एक वाइडर एरिया कवर करके आती है सरफेस पे इस तरीके की। ठीक है, वाइडर एरिया जो कवर करते हैं, दैट इज नोन एज अ बैलिस्टिक मिसाइल। देन अग्नि 5, इट कैन स्ट्राइक द टारगेट अप टू द रेंज ऑफ 5,000 किलोमीटर विद अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो पहला चाइना का जो नाखुश होने का रीज़न ये है कि हमने इन्होंने अभी अभी एक अपना मिसाइल लॉन्च करी थी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने जब यहाँ पर मिसाइल टेस्ट कर लिया तो इनको बहुत ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का, सॉरी, यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है, राइट। तो ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर है अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। यहाँ से लेकर इधर होता है चाइना आपका, यहाँ से लेकर इसकी इतनी लंबी रेंज है, इतना लंबा रेंज है इसका, कि चाइना के हर एक एरिया में अटैक करने की क्षमता इस मिसाइल में है, और जो कि मेन रीज़न है चाइना इससे नाखुश है हमारी इस मिसाइल टेस्टिंग से। तो ये टेस्टिंग हुई कब थी, ये टेस्ट फायरिंग हुई थी कल 7:30 बजे फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, और है कहाँ पर, ही ओडिशा में, इन ओडिशा दिस सेट। ऑल राइट, ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से टेस्ट फायरिंग हुई थी, तो इट वॉज अराउंड 7:50 फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा। द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्नि 5 इज इन द लाइन विद इंडिया स्टेटेड पॉलिसी। तो इंडिया की पॉलिसी क्या है यार, इंडिया की पॉलिसी है कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस दैट अंडरपिन्स द कमिटमेंट टू नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले अटैक नहीं करेंगे, हम लोग इसका यूज़ तभी करेंगे जब हमें थ्रेट होगा सामने वाले नेशन से, हम इसका पहला यूज़ नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़। ऑल राइट, तो इस स्टेटमेंट के अंदर या फिर इस पॉलिसी के अंदर ही हमने इस मिसाइल को लॉन्च किया था, एज डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेड इन दिस मिसाइल। यहाँ पर इस मिसाइल में है क्या क्या चीज़ें, इस मिसाइल में इट यूजेस अ 3-स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन दैट इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग द टारगेट अप टू 5,000 किलोमीटर रेंज एंड इज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब पहले चीज़ ये 5,000 किलोमीटर रेंज तक जो है अटैक कर सकता है, दूसरी चीज़ उतने एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तीसरा कि इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है जहाँ पर भी ये मिसाइल लॉन्च होगी वहीं पर जाके ये मिसाइल अटैक करेगी। ऑल राइट, तो फर्स्ट टेस्ट ऑफ दिस मिसाइल अग्नि का, जो फर्स्ट टेस्ट है अग्नि 5 का, फर्स्ट टेस्ट कब हुआ था, अप्रैल 2012 में, और उसके बाद में ये 3 साल पहले भी हमारा ये टेस्ट हो चुका है, दैट इज 2018 में भी ये टेस्ट हो चुका है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। दिस न्यूज़ केम एट द टाइम व्हेन इंडिया एंड चाइना, जैसे कि ये न्यूज़ भी कब आई है, जब इंडिया और चाइना दी आपस में लद्दाख सेक्टर में भिड़े हुए हैं, और पीएलए ने, जो चाइनीज आर्मी ने अपनी पीएलए को वहाँ पर तैनात कर रखा है ईस्टर्न
सेक्टर इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश में, राइट। उसने अपनी मिलिट्री को जो है तैनात कर रखा है हमारे लद्दाख के सेक्टर में और अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर में। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हमने करी है, जो ये मिसाइल लॉन्चिंग करी है, वो इस टाइम पे करी है जब चाइना और इंडिया में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है। तो मेन जो है प्रॉब्लम चाइना को इससे भी है कि अभी अभी ये सब इतना प्रॉब्लम चल रही है बॉर्डर पे और हमने ये लॉन्च कर दी मिसाइल। तो ये है सबसे बड़ा जेलसी का कारण चाइना का। तो इंडिया कंप्लीटेड इट्स न्यूक्लियर ट्रायल इन 2018 व्हेन इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ऑल राइट, हमारे पास इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करा था ट्रायल 2018 में। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी है विद द हेल्प ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। अग्नि सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड वॉरप्लेन सच एज रफाइल। अब ये देखिए, जो अग्नि सीरीज है बैलिस्टिक मिसाइल की वो कौन कौन सी है, और वॉरप्लेन्स की जैसे कि रफेल, सुकोई 30, मिराज 2000, दे कैन डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड्स। मतलब इसमें न्यूक्लियर वेपन्स करके, न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल करके हम लोग कहीं भी अटैक कर सकते हैं। ये सारे जो है न्यूक्लियर वेपन वाले मिसाइल्स हैं, ऑल राइट, या फिर वॉरप्लेन्स हैं। अग्नि 5 टेस्ट फायर्ड इन उड़ीसा ऑन जनवरी 31, 2015। अग्नि फाइव जो है इसने टेस्ट फायर कब किया था उड़ीसा में, 31 जनवरी 2015। बैलिस्टिक मिसाइल जो है इट कैन फ्लाई इन टू आउटर स्पेस बिफोर रिटर्निंग टू द थ्री ट्रेजेक्शन एट हायर स्पीड। वो क्या करती है, यहाँ पर कुछ कुछ चीज मिसिंग है, जैसे स्पेस की जगह स्पेस लिख दिया है मैंने, एंड स्टीप ट्रेजेक्ट्री लिखना था, यहाँ पर स्टी लिख दिया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल कैन फ्लाई इन टू द आउटर स्पेस बिफोर रिटर्निंग इन टू द स्टीप ट्रेजेक्ट्रीज एट द हायर स्पीड। मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये आउटर स्पेस में जा सकती हैं जो उससे पहले कि ये अपनी ट्रेजेक्ट्री में वापस आ जाएं। ऑल राइट, चलिए। इंडिया हैज अ कैपेसिटी टू डिप्लॉय शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। इंडिया में ये कैपेसिटी है कि वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लगा सके। दूसरा मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस जो इसका और इस पूरी एक्सरसाइज का है वो है मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन एशिया पैसिफिक रीजन। टू मेंटेन द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन, दिस इज द मेन रीजन ऑफ दिस मिसाइल लॉन्चिंग। इंडिया लैंड बेस्ड फुली ऑपरेशनलाइज बैलिस्टिक मिसाइल्स आर, कौन कौन सी हैं इंडियन लैंड फुली ऑपरेशनलाइज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये है पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, एंड वी हैव लॉन्च दिस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑल्सो, ठीक है। सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, वो भी हमने लॉन्च करी हैं। आगे चलते हैं, वाई चाइना इज नॉट हैप्पी विद दिस मिसाइल। चाइना हैप्पी क्यों नहीं है इस मिसाइल लॉन्चिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ रिगार्डेड एज अ स्ट्रेटेजिक मिसाइल टारगेटेड एट चाइना एज इट कैन रीच ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ चाइना। अब चाइना वालों को क्या लग रहा है कि हमारी ये जो मिसाइल की रेंज है वो है 5000 किलोमीटर, ठीक है। 5000 किलोमीटर में ये कहीं भी जाके अटैक कर सकती है और सारे एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और प्लस इसमें न्यूक्लियर वेपन हम लगा के इसको लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अभी चाइना को और इंडिया को आपस में इन दोनों के क्लैशेस चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लद्दाख बॉर्डर पे और हमारे अरुणाचल के बॉर्डर पे। PLA जैसे आपको पता है चाइनीज़ मिलिट्री ने अपने आदमी तैनात कर रखे हैं, अपनी मिलिट्री तैनात कर रखी है, ऐसे में हमने इस मिसाइल की लॉन्चिंग कर दी, तो चाइना को क्या लग रहा है कि ये लॉन्च हुआ है उन पर अटैक करने के लिए, पहला रीज़न। दूसरा, After China tested nuclear capable hypersonic missile in August, India test fired this missile successfully. सबसे पहले चाइना ने अगस्त में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग करी थी, और जब उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया ने जैसे ही सिर्फ 5000 किलोमीटर रेंज तक जाने वाला एक मिसाइल की टेस्टिंग कर दी तो इनको प्रॉब्लम हो गई। तो ये है मेन प्रॉब्लम की जड़ कि हमने कैसे लॉन्च कर दिया, हमने कैसे टेस्ट फायरिंग कर दी है, हमने कैसे टेस्ट कर लिया अपनी मिसाइल का। तो ये भी मेन रीज़न है चाइना के गुस्सा होने का। तो अब ये देखिए, इन्होंने करी है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जो पूरा अर्थ का चक्कर लगा के और फिर जाके टारगेट पे अटैक करती हैं। तो सोचिए, इन्होंने तो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करी है, हमने तो फिर भी एक बैलिस्टिक मिसाइल ही लॉन्च करी है या फिर ट्राई करी है। ऑल राइट,
चाइना अपनी पोजीशन का, जो कि आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए उसने क्या स्टेटमेंट दिया है वहां पर, आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द मिसाइल सरफेस, जैसे ही हमारे सक्सेसफुल लॉन्च हुआ मिसाइल का और ये न्यूज़ फैली सारी जगह पर, तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जो थे जाओ लिजान, इन्होंने क्या बोला एट अ प्रेस कि मेंटेनिंग पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया मीट्स द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल, वेयर चाइना होप्स दैट ऑल पार्ट्स वुड मेक कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स। तो ये स्टेटमेंट दिए हमारे अगेंस्ट वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने, ये कोई भी चीज़ ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न कि हमारे इंडिया पे जो है हर जगह से ये अटैक करता है, चाहे वर्बली हो चाहे कुछ भी, और प्लस अगर इंडिया कुछ भी कर दे अच्छा तो चाइना को कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं आती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, आई होप समझ में आई होगी। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद करने के वो कुछ ये थे कि चाइना हैप्पी क्यों नहीं है, ये मिसाइल कब लॉन्च हुई है, कितने टाइप की मिसाइल्स होती हैं, ये सारा कुछ था आज की वीडियो में, और कहाँ से लॉन्च हुई है, किस टाइम और किस डेट पे लॉन्च हुई है, आपको ये याद रखना है। एसएससी वाले बच्चों को और यूपीएससी वाले बच्चों को तो सब कुछ ही इसमें से देख लेना है। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड कीप स्टडिंग।